दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि हम लोग हार्ड ड्राइव को कैसे हाइड करें और उसे फिर से अनहाइड करें। सबसे पहले देख लेते हैं, हमारे पास यहाँ पे चार हार्ड ड्राइव शो हो रहा है, डिस्क ड्राइव शो हो रहा है। तो अभी मैं इन लोगों को बारी बारी से हाइड करूँगा, फिर अनहाइड करूँगा। तो सबसे पहले हम लोगों को मैनेज पे जाना है। मैनेज खुलने के बाद यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि डिस्क मैनेजमेंट शो कर रहा है, तो उस पर क्लिक करें। अभी यहाँ पे बहुत सारे ड्राइव शो कर रहे हैं, तो मुझे यहाँ से जो भी हाइड करना है मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। मैं अभी यहाँ पे डाटा एंड सॉफ्टवेयर को हाइड करने वाला हूँ। तो यहाँ पे भी देख रहे होंगे मुझे शो हो रहा है कि डाटा एंड सॉफ्टवेयर। डिस्क मैनेजमेंट खुलने के बाद आप यहाँ देख रहे होंगे कि बहुत सारे ड्राइव शो कर रहे हैं, तो मैं अभी यहाँ पे डाटा ड्राइव को यहाँ पे हम हाइड करने वाले हैं। तो इसका यहाँ देख रहे होंगे चेंज ड्राइव लेटर एंड पाथ्स पे क्लिक कीजिए और यहाँ से इसे रिमूव कर दीजिए। अभी आप जैसे ही यहाँ से रिमूव कंप्लीट होगा, यहाँ पे देखेंगे कि हमारा ड्राइव, वो ड्राइव यहाँ से हट गया है, सो ही नहीं हो रहा है। तो चलिए मैं नेक्स्ट डाटा एंड सॉफ्टवेयर को यहाँ से हाइड करता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे मैंने अभी जो दोनों ड्राइव हाइड किया है वो यहाँ पे सो ही नहीं हो रहा है। तो अभी आपने देखा कि कैसे ड्राइव को हाइड करते हैं। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसे फिर से मुझे अनहाइड करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले मैंने डाटा को हाइड किया था, तो मैं इसे ही अनहाइड करता हूँ। यहाँ पे चेंज ड्राइव लेटर एंड पाथ पे क्लिक करें, यहाँ पे ऐड करें और फिर ओके करें। अभी आप देखेंगे कि मेरा यहाँ पे ड्राइव फिर से डाटा करके मैंने जो बनाया था वो फिर से शो हो रहा है। उसी तरह मैं डाटा एंड सॉफ्टवेयर को यहाँ पे फिर से अनहाइड कर रहा हूँ। अभी आप फिर देख सकते हैं कि मेरा चारों ड्राइव फिर से यहाँ पे आ गया है। तो ये बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है किसी भी हार्ड ड्राइव को हाइड और अनहाइड करने का। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स।